हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन माइसेल्फ अमन। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर है आपका कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रेंगल और बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपने इसके अंदर चैप्टर के अंदर सीखे, जो एक्सरसाइज के अंदर सीखे, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड द फॉल्स होते हैं, तो इन्हें आपको फिल करना है। द एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल मेजर, मतलब अगर वो इक्वल होंगे तभी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। उसके बाद देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन बीसी एंड सीए, अगर अपने बात करें, देखिए कुछ ऐसा एंगल ट्रायंगल बनाते हैं अपने एबीसी, ठीक है। तो ए बी ये क्या बोल रहे, देखिए बीसी ये वाला, देखिए मान लीजिए ट्रायंगल था ये एबीसी, ए बी एंड सी, उसके अंदर अपने बात करें बीसी ये साइड, और उसके बाद बात करें सी ए ये साइड, इसके अंदर इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये एंगल सी, सो एंगल सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, देखिए इसे अपने लिखने का तरीका क्या होता है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो ए बी साइड होगी वो डी ई के इक्वल होगी, बी सी किसके इक्वल होगी, ई एफ के इक्वल होगी, तो ए सी जो ए सी है दैट विल बी इक्वल टू डी एफ, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ लिख लीजिए या फिर एफ डी लिख लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टू साइड्स एंड ब्लैंक ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट एज साइड एंगल साइड, तो यहां पर दो साइड एंड एक क्या यहां पर आएगा, इंक्लूडेड एंगल, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इंक्लूडेड एंगल। तो यहां पर आपका जो फोर्थ है वहां पर कंप्लीट नहीं आएगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां पर देखिए, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द ब्लैंक साइड्स वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, तो यहां पर देखिए क्या है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट सॉरी टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर पैरेलल, ठीक है। मान लीजिए ये टू लाइन सेगमेंट थी, एक है ए बी, दूसरी लाइन सेगमेंट है यहाँ पर सी डी। अब यहां पर देखिए ये पैरेलल तो है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, इनकी साइज और शेप भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड की बात करें, टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट बाय राइट हाइपोटेनियस साइड, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, अदर प्रॉपर्टी से भी हो सकता है। मान लीजिए ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर मान लीजिए ये बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस ये तीनों इक्वल हुए, तो ये साइड 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 से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए रेक्टेंगल्स की बात कर रहा है, मान लीजिए अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, देखिए इसकी जो यहां पर विड्थ है ये 5 है और ये आपकी लेंथ क्या है, 10। अगर अपने एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होती है आपकी, 5 × 10 इट मीन्स 50। अगर यहां पर ये मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेकिन उसी के अपोजिट अगर अपने बात करें, एक रेक्टेंगल ऐसा भी बन सकता है जिसकी लेंथ 5 हो और विड्थ 10 हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर L इंटू बी या L इंटू डब्ल्यू क्या हो जाता है, 5 × 10 इट मीन्स 50 मीटर स्क्वायर। अब इस केस के अंदर आप अगर देखेंगे कि
आपका ये जो शेप एरिया सेम है, बट ये यहाँ पर क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। लेकिन अदर भी अगर हमने बात करें, देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर इसके अलावा कोई एग्जांपल अगर अपने देखें तो यहाँ पर देखिए ये 50 हो जाए और ये 1 हो जाए तो भी एरिया क्या हो जाएगा, देखिए कुछ लेंथ ऐसी हो जाएगी 50 एंड 1, 50 × 1 50 m², तो एरिया सेम है ठीक है, लेकिन आपका जो शेप है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। उसके बाद देखिए टू ट्रायंगल्स विद एंगल 60 डिग्री 40 डिग्री एंड 80 डिग्री आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल 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 क्रिएशन। तो यहां पर देखिए अब यहां पर अगर आपको देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखिए टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स फिट ईच अदर एग्जैक्टली व्हेन दे पुट ओवर द अदर, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये ट्रेंगल हैं दो कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो क्या होते हैं फिट, एग्जैक्टली फिट होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन आर टू ट्रेंगल इन द गिवन फिगर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो यहां पर अगर अपने बात करें ये देखिए ये इक्वल दिख रही है आपको, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये ए बी भी ए डी भी क्या है इक्वल है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये दोनों तो आपको क्या है गिवन है और ए डी आपकी क्या है कॉमन है, तो बाय साइड साइड साइड, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इफ दे कैन यूज टू प्रूव द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो यहां पर अगर अपने बात करें देखिए ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये हो गया इसका इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो एंगल है नहीं गया हुआ हमको, ठीक है, तो एंगल साइड एंगल सॉरी साइड एंगल साइड ये तो हो ही नहीं सकता, ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट ये आपको गिवन है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के अंदर क्या कंडीशन होती है, ये दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, ऐसा भी यहां पर कुछ नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड के अंदर क्या होता है एंगल एंगल एंड थर्ड साइड, तो यहां पर ऐसी भी कंडीशन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज नन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू डी सी, मतलब ये जो ए बी है इसके इक्वल है डी सी या फिर सी डी के, ठीक है, उसके बाद देखिए ए सी इज इक्वल टू डी बी, जो ये ए सी है ये वाला ए सी इस डी बी के इक्वल है, विच थर्ड मेजरिंग पार्ट वुड यू यूज टू प्रूव द ट्रेंगल ए बी सी, देखिए कौन सा थर्ड पार्ट है आपको यहां पर सिंपली दिख ही रहा है जो बी सी पार्ट है, देखिए ये जो बी सी पार्ट है ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहां पर हम इस बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी बी करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बाय साइड 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 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखिए अपने ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, थ्री इक्वली इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन सम कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर, ए बी इज इक्वल टू क्यू पी, जो ये ए बी है इस क्यू पी के इक्वल है, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, उसके बाद देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल हो गया, तो इसे देखते ही आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है एंगल एंगल साइड, तो यहां पर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको ए बी सी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो ए बी है ए सी के इक्वल है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, मतलब ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है, बाय विच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कैन वी शोन ट्रेंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए सी डी, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अगर अपने
तो यहां पर से अपने बात करते हैं, सबसे पहले तो ये जो एडी है ये भी तो कॉमन हो गई, ठीक है, एडी कॉमन हो गई, ये आपका हो गया 90 डिग्री। देखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हाइपोटेनस की बात करें ए बी इज इक्वल टू ए सी, उसके बाद थर्ड की अगर अपने बात करें ए डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये हमें गिवन है और ये हमारा क्या है कॉमन है। तो बाय राइट हाइपोटेनस साइड द ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसे अपन देख लेते हैं। देखिए इन अ फिगर ए बी सी इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल, जो ए बी सी है आपका क्या है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। उसके बाद देखिए इन विच ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है एंड डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ये जो बी डी है सी डी के इक्वल है, प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट, जो यहां पर है कि प्रूव दैट आपको प्रूव करना है जो एंगल ए है और एंगल डी है, जो ए डी है उनको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है ट्रायंगल, लेट्स टेक ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो यहां पर अगर अपने बात करें देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करें बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी आपको गिवन है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है और इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें थर्ड की ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये आपका क्या हो गया कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बाय साइड 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 क्रिएशन ए ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो यहां से देखिए जब भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है तो ये वाली लाइन इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी, इट मींस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एक तो आपसे ये पूछा था इट मींस बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब यहां पर अगर अपने बात करें कंप्लीट जो आपका ये है ए, ठीक है, और इसका एक पार्ट तो ये आपका हो गया बी ए डी और दूसरा पार्ट क्या हो गया ए सॉरी सी ए डी। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब क्या हो रहा है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वैसे ही ये आपका क्या हो जाएगा एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए अगेन बाय सी पी सी टी, तो हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है। उसके बाद देखिए सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री। शो दैट ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, अब ये कैसे शो हो सकता है, अगर कोई भी दो साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां से अगर अपने बात करें ट्रायंगल ए बी डी की एंड ट्रायंगल ए सी डी की, तो अकॉर्डिंग टू दैट देखिए अगर बात करूं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, ये आपको क्या है गिवन है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपने साइड की ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज कॉमन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए,
90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है यहां पर, तो ये 90 डिग्री हो गया। सो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी एंड बाय ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी बाय सी पी सी टी। सो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। साथ ही जो आपका चैप्टर 13 है इसके बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, आपकी मेंटल मैथ कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। और साथ ही अगर देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है आपका क्वेश्चन 10, तो देखिए क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सी इज द मिड पार्ट ऑफ डी। मतलब ये जो सी है ये मिड पार्ट है, मतलब यहां से ये और ये क्या हो जाएंगी आपकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अपने बात करते हैं सॉल्यूशन की। सो अकॉर्डिंग टू दैट सी डी इज इक्वल टू सी ई, क्योंकि ये क्या है मिड पार्ट है, मिड पार्ट का मतलब क्या होता है दोनों का सेंटर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है देखिए एंगल डी ए सी, डी ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। ठीक है, तो यहां पर आपको गिवन है एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी। तो यहां पर देखिए एंड दीज आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है इनका सम होगा 180। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए एंगल डी ए सी प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए डी ई बी सी की जगह मैं डी ए सी लिख सकता हूं, डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो टू डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टू जाएगा डिवाइड में, 180 डिवाइड बाय टू इज 90 इज इक्वल टू एंगल ई बी सी। मतलब ये दोनों दोनों आपके जो एंगल हैं वो कितने हो गए 90 डिग्री हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रूव दैट ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोल रहा है ट्रायंगल डी ए सी एंड ई सी बी आर कॉन्ग्रुएंट। इसके अंदर देखिए एक प्रॉपर्टी आपकी छूट गई, ट्रायंगल ए बी सी जो जो ए बी सी है क्या है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने इसको कर सकते हैं। देखिए तो यहां पर देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर अपने बात करें ये एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा साइड और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अगर अपने बात करें ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल ई बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड की बात करें साइड की, साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये आपको क्या है गिवन है कि वो ट्रायंगल क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और थर्ड की बात करें सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू सी ई, ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। सो बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड ट्रायंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी सी। तो हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका चैप्टर असेसमेंट ऑफ चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है। इसके अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें
और जो ये वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।